हाय, दिस इज मिलिंद गुना जी एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन बॉलीवुड ठिकाना। और महाबलेश्वर से उतरते वक्त गाड़ी में कुछ नॉकिंग की आवाज़ आने लगी। सो देन आई थॉट कि कुछ गड़बड़ है, अपने को दिखाना चाहिए। तो मैंने, मेरे दोस्त था मिलिंद जी, उसका भी नाम मिलिंद है, उसको कहा कि कुछ तो गड़बड़े दिखाएं। तो उसने कहा अपनी फैक्ट्री के पीछे एक नया एक कार का मैकेनिक का एक कुछ गैराज जैसा खुला है और सब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जैसे पिस्टन के ऊपर वो कार उठाते हैं और फिर नीचे से देखते हैं, वो टाइप का सब है। तो ठीक है, चलो जाते हैं। और वहाँ गए, हमने गाड़ी लगाई, ये बंदा निकल गया, वो कार ओनर का, वो गैरेज ओनर को ढूंढने को उसको दोस्त था, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। तो मैं अकेला बैठा रहा थोड़ी देर गाड़ी में, और मेरे आईज पे सनग्लासेस थी काली, और मैं शेड के नीचे था तो मुझे कुछ एक्चुअली दिख नहीं रहा था, मैं भूल गया था ग्लासेस निकालने को। बहुत देर तक वो आया नहीं करके मैंने दूसरी बाजू से दरवाज़ा खोला और आगे से टर्न मार के जहाँ ऑफिस था वहाँ पर जाने लगा, और ऐसा पैर मैंने डाला और फिर मुझे नेक्स्ट याद है, बहुत दर्द हो रहा, मेरा एक शोल्डर पूरा बाहर निकला है, मैं लटक रहा हूँ बीच में, क्योंकि वो जो स्लॉट होती है जिसपे वो गाड़ी रखते हैं वो काफ़ी एक्सटेंड होती है आगे, और उसको दोनों साइड में रेल्स लगी होती है लोखंड की, कुछ 3-4 फीट डीप होता है, 3-4 फीट वाइड होता है वो, तो गाड़ी के आगे भी वो एक्सटेंड हो रही थी, उसमें मैंने पैर डाला था। अच्छा। और मैं बहुत बुरी तरह से, मुझे दर्द हो रहा था, मैं चिल्लाने लगा, तो वो लोग उधर से भाग के आए और मेरी गाड़ी में डाल के मुझे वहीं के हॉस्पिटल में लेके गए, वहाँ मेरा डिसलोकेटेड शोल्डर बिठाया गया। दैट टाइम आई वॉज परसुइंग माई करियर इन स्पोर्ट्स, क्रिकेट एंड बैडमिंटन, मतलब काफ़ी एडी जन तक मैं खेलता था, तो लोग यहाँ के बोलते थे कि तुम्हारी इसमें करियर अच्छी लग रही है, सब तुम इसमें करियर करो वगैरह वगैरह। तो दैट वेरी इंस्टेंस मेरा वो करियर ख़त्म हो गया, क्योंकि वो लेवल पे खेलना मुमकिन नहीं था। उसके बाद ओवरहेड स्मैश नहीं मार सकता था और थ्रो बहुत ज़ोर से नहीं कर सकता था, सो देन इट वॉज कट ऑफ। मेरे डॉक्टर ने भी वहाँ के पूछा कि यार तू इतना ज़बरदस्त तगड़ा हेल्दी आदमी हो, तूने शोल्डर निकाला कैसे बाहर, मतलब ये हाथ बाहर निकला कैसे, तूने कुछ स्पेशल किया होगा। तो ऐसा एक स्पेशल एक्सीडेंट था।